नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। आज एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आया हूँ। गौरक्षक बिगाजी महाराज, वीर बिगाजी महाराज का मंदिर का नव निर्माण किया गया है और नवनिर्मित मंदिर की आज बिगाजी महाराज की मूर्ति स्थापना का विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ वीर बिगाजी महाराज के मंदिर का चाड़वास गाँव से, और चाड़वास में यह मंदिर यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। सैकड़ों सालों से यहाँ पर वीर बिगाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर को पुनः नव निर्मित किया गया है भाकर परिवार के द्वारा, और जिसमें स्वर्गीय धर्माराम जी भाकर के सुपुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, बिशनलाल जी, ओम प्रकाश जी और स्वर्गीय निम्माराम जी भाकर के सुपुत्र गोपाल चंद जी, शंकरलाल जी, जगदीश प्रसाद जी और छोटू राम जी और सुपुत्र विकास एवं नरेंद्र, समस्त जो भाकर परिवार है जिसके द्वारा इस मंदिर का नव निर्माण यहाँ पर किया गया है और नव निर्मित मंदिर के आज मूर्ति स्थापना होनी है। जिससे सबसे पहले, आपको पता है कि सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति में कलश को स्थापित किया जाता है, तो कलश यात्रा सबसे पहले होगी और कलश यात्रा के लिए माताएं बहनें यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। और ये गांव में बताऊँ तो बहुत ही धार्मिक माहौल है इस गांव का, और यहाँ पर ये देखिए माताएं बहनें एकत्रित हो रही है कलश यात्रा के लिए, और यहाँ भी आते ही उन्होंने भजन शुरू कर दिए हैं और बिगाजी महाराज के और माता पीथल माता के भजन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। बहुत ही धर्मपरायण गांव है ये चाड़वास गांव। कलश यात्रा शुरू होने से पहले माताएं बहनें जो पहुंची हैं यहां भजन कीर्तन कर रही हैं। ये प्राचीन चाड़वास सादुलगुड़वास का शिव मंदिर जहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। चाड़वास गांव की सरपंच कांता देवी जी यहाँ महिलाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। चाड़वास गांव का दृश्य देख रहे हैं जहां पर वीर बिगाजी महाराज के मंदिर के नव निर्माण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। स्वर्गीय धर्माराम जी भाकर और स्वर्गीय निम्माराम जी भाकर के सुपुत्रों के द्वारा इस मंदिर का नव निर्माण किया गया है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, बिशनलाल जी, ओम प्रकाश जी, विकास जी, नरेंद्र जी, गोपाल चंद जी, शंकरलाल जी, जगदीश प्रसाद जी, छोटू राम जी, समस्त परिवार के, भाकर परिवार के लोग उपस्थित हैं। दिव्य कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। शिव जी के मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये दृश्य है चाड़वास गांव के सादुलगुड़ पास का, जहां पर वीर बिगाजी महाराज के मंदिर का नव निर्माण किया गया है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और भाकर परिवार के धर्माराम जी भाकर और निम्माराम जी भाकर के सुपुत्र पोत्र एक सुंदर कार्यक्रम को इस नव निर्मित मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया है और कार्यक्रम को पूरा आयोजित कर रहे हैं। कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और जोड़े से भाकर परिवार के जो सभी स्वर्गीय निम्माराम जी और स्वर्गीय धर्माराम जी भाकर के परिवार के जन जो हैं जोड़े से इस कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। Thank you.
सरपंच कांता देवी और रामदेव राम जी जोड़े से कलश यात्रा में शामिल हुए हैं, कलश लेकर झूमते हुए। स्थापना तो नवनिर्मित मंदिर क्यों नहीं जाया जा रहा है। चाड़वास के सादलगढ़ वास का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वीर बिगाजी महाराज का जो प्राचीन मंदिर है जिसका नव निर्माण किया गया है और नेमाराम जी और धर्माराम जी भाकर के सुपुत्रों और पोत्रों के द्वारा इस मंदिर का नव निर्माण किया गया है। अभी भव्य कलश यात्रा चाड़वास गांव में घुमाई गई और अब मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार गूंजने शुरू हो चुके हैं, पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो करवाया जा रहा है। एक तरफ बिग्गाजी महाराज, वीर बिग्गाजी महाराज अश्व सवार प्रतिमा है और दूसरी पीथल माता की, जो उनकी कुलदेवी कही जाती है बिग्गाजी महाराज की, दोनों की मूर्ति स्थापना इस मंदिर में की जानी है, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। भाकर परिवार के सभी अग्रज जो है जोड़े से सपत्निक रूप से इस पूजा कार्य को संपन्न करवा रहे हैं यजमान के रूप में, और सभी जो चाड़वास गांव के ग्रामवासी हैं, भारी संख्या में महिलाएं हैं, समस्त यहां मौजूद हैं। साथ ही साथ यहां के सरपंच कांता देवी और रामदेव राम जी भी यहां पर मौजूद हैं, जो सारी देर यहां कलश यात्रा में भी शामिल हुए और अब जो धार्मिक कार्य है जो शुरू हो चुका है उसमें भी शामिल हैं। हमारे का नाम विष्णु, विक्रम संवत 2081 का मासना मासे उत्तीर्ण मासे सुए आस्तीन मासे शुक्ल पक्षे 19 पत्रादो राजस्थान प्रांत अंतर्गत नेहरू मंडला अंतर्गत चाड़वास नामने ग्रामे तद समीपे साधुलगढ़ नामने खासे अमुक गोत्र उत्पन्न मह भाकर गोत्र उत्पन्न मह तत्वाक्यंत है। श्री वीर बिग्गाजी महाराज के मंदिर के नव निर्माण का कार्य स्वर्गीय श्री धर्माराम जी भाकर के सुपुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, बिशनलाल जी, ओम प्रकाश जी और उनके सुपुत्र विकास जी और नरेंद्र जी, और स्वर्गीय नेमाराम जी भाकर के सुपुत्र गोपाल चंद जी, शंकर लाल जी, जगदीश प्रसाद जी और छोटू राम जी के द्वारा करवाया गया है। और समस्त जो है कार्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है। ुद्राय पशुपदाय कर्णायामावलिता रुद्रायजन्यारोधि ओम पैसानम समर्पयामि देवलो माता जी महाराज की जय। तो दही से अभिषेक किया जा रहा है मूर्तियों का। ओम देव
विठल माता का अभिषेक किया जा रहा है। दही से अभिषेक किया जा रहा है। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चल रहा है। वनस्पतय शांति विश्व देवा ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्यो निघृते श्रितो घृतम वसिधामः अनुस्वदमावः मादैस्व स्वाहा कृतं वृषभ वक्षि हव्यम् अलिस्तयास्मिनाः सेतः सेताक्षोरुणते रुद्राय पशुपति च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयते मधुक्षरं दिशन्धवः माध्वेनः सन्तोखादिः मधुमुक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिव गङ्ग्रजः मधुस्नानं च समर्पयामि सिन्धु कावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ द्विजदे लक्ष्मीजवज्ञा भो रात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ तम् एकान्निकाणां मोम एकाण सर्वलोकमयिकाण भद्रं वसेमाक्ष प्रियचत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसुस्तनोभिर्वसेमहि देवहिरङ्गनोनां पुत्रासो यतपितरो भवन्दिमानो मद्यारेरिकसायुर्गन्धो पुत्रः बालो मणिबालस्य आस्मिनः सेतः सेताक्षोरुणते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्तारो सर्वभूतानां कामयोपवे श्रियं महगन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोपवे श्रियां समर्पयामि विद्वान् यक्षमादमुदगं सदचित् तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमुक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे Yeah.
तो पंचदासो देशे भवसरित मधुसहस्रग्रावितं पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां समर्पयामि सरस्वतीमपि यन्त्रितोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देवावसरित सुनो तो बटे अमरी बिड़िया सुमरिए तुम्हें रतना बिगमान कभी गमलवाता भूमियारी डाकर होता मोर पापी दुष्टि मार के बकर दिया एक ठोड़ चढ़े चढ़ावे चूर मार पोता बटे अमाल ओरी बिलिया सिमरिए रमन तना बेगमान बोले वीर बेग जी महाराज की ओ दे पीछन माता वीर बेगा जी महाराज के नव निर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना की जा रही है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मंत्राभिषेक के पश्चात मूर्ति स्थापना की जा रही है नव निर्मित मंदिर में, पीथल माता की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। गांव को धनी बनी ना बोलो फर्क पड़ा करे। श्री वीर बिगा जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। चाड़वास ग्रामवासी समस्त भाकर परिवार सरपंच प्रतिनिधि सभी गणमान्य जनों के द्वारा वीर बिगा जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की जा रही है नव निर्मित मंदिर में। बोलो बिगे जी महाराज की जय हो। कन्या से खुलवाई जा रही है चार गुजराती सुंदर सोवे शरणांगति रक्षा करी आंखों की पट्टी खुलवाई जा रही है कन्या के द्वारा। जय बोलो वीर बिगा जी महाराज की जय हो। जय बोलो वीर बिगा जी महाराज की जय हो। स्थापना की जा रही है, मूर्ति स्थापना की जा रही है। ब्रह्म सांगे सर्व वृंदं गे शांति देव सांगे सामा सांगे दुख सांगे वलंतो सर्वारी के सांगे वलंतो शिव बलि गणेश जी महाराज की पूजा है। गणेश जी महाराज को बलि में ध्यान करो। ओम जी महागणाधि पते नमः। हम जाने दरवाजा महात्म जाज दरवाजा अम्बाल के नमः नया जी का सना जी का
सुमति काम कांबील गणपति नम गणपति देवता सीवार सिद्धि सिद्धि सहिता आगछ आगछ इमं पूजा कथम देव है सर्व कार्युर्गन दो और ये है श्री वीर बिगाजी महाराज के मुख्य धाम रीढ़ी धाम से ये ज्योत दिव्य ज्योत जो है यहाँ पर प्रज्वलित करके लाई गई है। रीढ़ी धाम से ज्योत को यहाँ पर लाया जा रहा है मुख्य धाम जो कि श्री वीर बिगाजी महाराज के मुख्य धाम है रीढ़ी गांव में, वहाँ से इस दिव्य ज्योत को उस ज्योत से लाया गया है यहाँ पर बिगाजी महाराज के चाड़वास के इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। बिगाजी महाराज के नव निर्मित मंदिर चाड़वास में दिव्य ज्योत को स्थापित किया जाएगा। दिव्य ज्योत को रीढ़ी धाम से ज्योत को यहाँ पर स्थापित करने के लिए लाया गया है। दिव्य ज्योत को चाड़वास में यह मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। हिरण्येन सवितारतेन देव यादि भुवनानि पश्यन् स्वाहा केन्द्रशङ्गाय इमम मुखे पुत्रमासे पुत्रमासे विष एष वो मेराकं ब्राह्मणो यजमान बुम्बुदाय स्वाहा शुक्रमन्दसः इंद्र से पायो मृदम मधु ओम शुक्राय स्वाहा ओम सन्नो देवी रविताय आपो भवन्तु पीतय ओम दयान चित्र ओ देवता सूर्यो देवता
ये दृश्य है चाड़वास का, बिगाजी महाराज के नव निर्मित मंदिर का, जहां पर आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुंदर दिव्य मूर्ति बिगाजी महाराज के अश्व आरूढ़ प्रतिमा का स्थापित किया गया है स्वर्गीय श्री धर्माराम जी भाकर और स्वर्गीय नेमाराम जी भाकर के सुपुत्रों के द्वारा। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, बिशनलाल जी, ओम प्रकाश जी, गोपाल चंद जी, शंकर लाल जी, जगदीश प्रसाद जी, छोटू राम जी और सुपुत्र विकास जी और नरेंद्र जी, समस्त भाकर परिवार चाड़वास के द्वारा यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाएं मंगल कलश लिए सर्वप्रथम चाड़वास में नगर भ्रमण बिगाजी महाराज और पीथल माता के प्रतिमा के साथ नगर भ्रमण किया गया और उसके पश्चात यहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ हवन कार्य के साथ पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई और एक ऐसा दिव्य यहाँ का माहौल धार्मिक हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि स्वयं बिगाजी महाराज और पीथल माता आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। मैं भाकर परिवार के कुछ सदस्यों से इस भावना को भी समझना चाहूँगा। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम बिशनलाल भाकर है, सन ऑफ धर्माराम जी भाकर, सादुलगढ़ बास। ये मंदिर सबसे पहले बताएं, जैसे कितना पुराना यहाँ पर है जिसका आपने जीर्णोद्धार नव निर्माण करवाया? ये हमारे जब डेरगा यहाँ आगे बसे थे जाखड़ हुए भाकर, तब हमारे बुजुर्गों ने ये मंदिर बनवाया था, लगभग 100 आके इधर नींव रखी थी। अच्छा। अब हमने इसका जीर्णोद्धार किया है मेरे परिवार ने, 100-125 साल पहले से ही यहाँ पर वैसे मंदिर था। हाँ। लेकिन अब इस मंदिर को जो पुराना हो गया था उसको पूरा एकदम नया बना दिया। हाँ। बिल्कुल। और क्या कहेंगे, किस तरह का एक माहौल परिवार में, इस तरह का एक धार्मिक कार्य जब होता है तो कहते हैं कि दैवीय शक्ति की इजाज़त के बगैर कोई व्यक्ति चाह कर भी नहीं कर सकता, और आपके परिवार पर बिगाजी महाराज का, माता जी का आशीर्वाद है जब इस तरह के कार्य आप कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं बिगाजी महाराज और पितृ माता को आशीर्वाद करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, हमें इसी तरह फले फूले रखे। मैं परिवार के
पुत्र हैं विकास जी, उनसे भी जानना चाहूँगा। विकास जी, किस तरह का माहौल परिवार में एक धार्मिक आयोजन हो रहा है और कितनी बड़ी प्रेरणा है जो युवा बच्चे हैं उनके लिए? हमारे लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है कि आगे से आगे ऐसे धार्मिक कार्य के लिए किसी को प्रोत्साहन करना और ऐसे देवता के लिए कुछ ना कुछ आगे काम करना। बिल्कुल। और आपके परिवार के द्वारा यहाँ नियमित वैसे भी पूजा वगैरह की जाती होगी? हाँ, नियमित के लिए नियमित पूजा वगैरह की जाती है। और ये देखिए, न सिर्फ भाकर परिवार बल्कि उनकी परिवार की बहन बेटियाँ भी आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और खुश हैं अपने भाई अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देने के लिए। बहन बेटियां भी यहां पर पहुंची है, बहुत ही खुशी का माहौल है। और यह है खास कार्यक्रम श्री वीर बिग्गा जी महाराज, जो कि परम गोरक्षक थे और गोरक्षा के लिए उन्होंने जो है अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। और ऐसे वीर योद्धा को नमन करते हुए चाड़वास की धरती से श्री वीर बिग्गा जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, आप सभी का धन्यवाद।